Right. Next heading. Effect of introducing ethylene transparent plate in the path of one of the intervening beams. तो देखे इंटरफेरेंस फिनोमेना में दो कोहेरेंट सोर्स से आने वाले वेव के बीच होता है ना, तो जैसे कोहेरेंट सोर्स S1 है, कोहेरेंट सोर्स S2 है, S1 सोर्स और S2 सोर्स से जाने वाले वेव के बीच पॉइंट C पर इंटरफेरेंस होता है, तो आपको फ्रिंज पैटर्न मिलता है ना। तो अगर जो है किसी एक वेव के पास में आपको एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फ्रिंज वेव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे दोनों वेव क्या है, मतलब एयर में चल रहे हैं ना, एयर में चल करके पॉइंट बी पे मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक वेव के पास में जो है एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप डाल देते हैं, जैसे ग्लास की एक थिन स्ट्रिप डाल देते हैं, ग्लास की एक थिन स्ट्रिप डाल देते हैं, हैवी थिकनेस टी, ठीक है। तो अब S1 से चलने वाले वेव जो है टी थिकनेस तक तो ग्लास में चलेगी, टी डिस्टेंस किस में चलेगी, ग्लास में, और जो है S1 P माइनस T डिस्टेंस एयर में चलेगी ना, क्योंकि देखिए इधर एयर है, स्ट्रिप के इधर एयर है, तो यहाँ एयर चले, यहाँ एयर चले, इसके अंदर क्या है, ये ग्लास है, ग्लास अंदर चले ना, तो इस स्ट्रिप के आ जाने से जो है एन एस ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन पे इफेक्ट पड़ेगा, एन एस डार्क फ्रिंज की पोजिशन पे इफेक्ट पड़ेगा, और फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज पढ़ना, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो 30 पॉइंट पर इंटरफेरेंस आपको निकालना है, तो कंडीशन ऑफ ब्राइट इंटरफेरेंस और कंडीशन ऑफ डार्क इंटरफेरेंस अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, पार्ट डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 एंड S2, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, बताइए, S2 से चलने वाले वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और S1 से चलने वाले वेव कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो दोनों के बीच जो आर्टिकल पार्ट डिफरेंस होगा वो पार्ट डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल पार्ट डिफरेंस कैसे निकाल के बताइए, इसके लिए देखिए हम टाइम टेकन बाय वेव्स कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 टू P, टाइम टेकन बाय वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 टू रीच पॉइंट P निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव, ठीक है, टाइम टेकन बाय वेव, वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स S1, कमिंग फ्रॉम सोर्स S1, कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 टू रीच टी, टू रीच एट टी है, एट टी क्या हो जाएगा, तो टाइम टेबल कितना होगा, टी इक्वल हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। तो देखिए डिस्टेंस S1 से चलने वाले जो वेव है S1P माइनस T डिस्टेंस तो एयर में चलेगा, किस में चलेगा, एयर में ना। देखिए अगर T शिफ्ट ना होती तो पूरा S1 से चलने वाले वेव पूरा एयर में चलता, लेकिन ड्यू टू पर्टेंस ऑफ स्ट्रिप T जो है एयर के लिए कितना डिस्टेंस इसके लिए बना है S1P माइनस T, S1P डिस्टेंस है, T माइनस कर देते हैं तो एयर में चलने वाले डिस्टेंस हो जाएगी। S1 P माइनस T क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 इन एयर। तो जब एयर में चल रही है तो क्या करेंगे, मतलब एयर की स्पीड से डिवाइड करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, C होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, C ना, वैक्यूम की जो स्पीड है वो एयर में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप C से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ क्या बताइए, यहाँ पर जो है टी थिकनेस का ग्लास हैविंग डिफरेंट टी इंडक्शन है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड इन ग्लास, अपॉन स्पीड इन ग्लास, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द टाइम टेकन बाय वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 टू रीच एट पॉइंट P, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, तो टाइम
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये ना एयर स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या एयर में स्पीड और वैक्यूम की स्पीड एयर वोल्ट सेम होती है ना, ठीक है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0049 होता है और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है ना, इसलिए दोनों एयर वोल्ट आप सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो यह की वैल्यू होगा, तो यहाँ से बीस वोल्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से बीस वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से बीस वोल्ट हो जाएगा सी बाई एन, बीस वोल्ट क्या हो जाएगा सी बाई एन, बीस वोल्ट सी बाई एन हो जाएगा, तो सी बाई एन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, इसमें ये वैल्यू रख देते हैं, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा एस वन टी माइनस टी अपॉन सी, फिर प्लस टी अपॉन ये हो जाएगा सी बाई एन, सी अपॉन एन, तो ये एन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया एस वन पी, एस वन पी, ठीक है, एस वन पी माइनस टी अपॉन सी प्लस एन टी अपॉन सी ना, तो टी छोड़ कितना हो जाएगा, अब देखिए सी दोनों टर्म में सेम हो गया, दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो अपॉन सी कर देंगे तो हो जाएगा एस वन पी माइनस टी प्लस एन टी, ठीक है, तो टी छोड़ हो जाएगा एस वन पी और प्लस ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन इंटू टी, एन माइनस वन इंटू टी अपॉन सी, तो दिस इज द टाइम टेकन बाय लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच पॉइंट बी कमिंग फ्रॉम सोर्स एस1, ये ना, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये ऊपर डिस्टेंस हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो नीचे स्पीड है जिसका मतलब ऊपर क्या है डिस्टेंस है, ऊपर क्या है डिस्टेंस ना, ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्टिकल पाथ है, क्या है ऑप्टिकल क्वाड्रेटिक पाथ ना, ठीक है, एक्चुअल पाथ आपका जो है एस वन पी प्लस एन माइनस वन इंटू टी है, तो ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स एस वन टू रीच पॉइंट पी आपका एस वन पी प्लस एन माइनस वन इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय लाइट, ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय लाइट टू रीच, टू रीच एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी कमिंग फ्रॉम सोर्स एयर, कमिंग फ्रॉम सोर्स एस1, कमिंग फ्रॉम सोर्स एस1 कितना हो गया बताओ, ये हो गया एस1 पी और प्लस एन माइनस वन इंटू टी हो गया, ये ना, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब उसके बाद देखें, अच्छा ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय वेव कमिंग फ्रॉम सोर्स एस टू क्या होगा, ये एस टू पी ही रहेगा क्योंकि इसमें एन का मान वन है ना, ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए थिकनेस, ज्योमेट्रिकल थिकनेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ज्योमेट्रिकल थिकनेस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तब आपको ऑप्टिकल पाथ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे एस टू पी को हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा जिसका ऑप्टिकल पाथ ज्योमेट्रिकल पाथ सेम हो जाएगा, मैंने एस टू पी ही इसका ऑप्टिकल पाथ बन जाएगा ना, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय लाइट, कवर्ड बाय लाइट, ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स एस1, कमिंग फ्रॉम सोर्स, सोर्स एस2, सोर्स एस2 टू रीच, टू रीच एट पॉइंट टू, टू रीच एट पॉइंट टू, इधर हम देख लेते हैं एस2 की हो जाएगा, ये ना, और ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस लेंगे वही पार्ट डिफरेंस होगा ना, ठीक है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, एस टू पी माइनस एस वन पी, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जैसे इसके पहले डायरेक्शन में ऑप्टिकल सर नहीं यूज किया था हमने, क्योंकि ये के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1.0049 होता है जिसको 1 मान लेते हैं,
पिछले वाले से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल पार्ट ही आफ्टर पार्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पास क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रिप आ गई इसलिए आफ्टर पार्ट का वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स, बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स, इंटरफेरिंग वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी, वेव्स reaching at point P, reaching at point P, reaching at point P, कितना आपका बताए? ये हो जाएगा आपका S2P minus S1P of plus S1P plus N minus 1 into T, हो जाएगा? तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हो गया, डेटा एक्स इसको दो गया पर आफ्टर पार्ट डिफरेंस डेटा एक्स इस फोटो कितना हो जाएगा एस टू पी माइनस एस टू पी माइनस एन माइनस वन इंटू टी ये हो गया। ठीक है अब आ जाए तो देखिए एस टू पी माइनस एस टू पी जो है एस टू पी माइनस एस टू पी की वैल्यू क्या की वैल्यू आपने प्रूव किया था कितना आया था बताओ हाँ? इसके बाद कितनी आई थी जैसे लेट डिस्टेंस ऑफ एनएच फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ड्रेक्शन ए कैपिटल डी तो एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू हमने निकाला था कितना आया था बताओ पीछे देखिए एस टू पी माइनस एस वन पी की वैल्यू कितनी आई है डी एक्स एन अपॉन कैपिटल डी है ना एक्सएन डी अपॉन कैपिटल डी देखिए यहाँ से एक्स एन स्टूडेंट क्या हो जाएगा
L lambda into D and L lambda L lambda plus L minus 1 into T ठीक है into D upon square ठीक है एक से इनटू टू क्या हो जाएगा कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी और प्लस एन माइनस वन डी इनटू टी अपॉन स्मॉल डी है तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्रैकेट प्लेन फ्रॉम सेंट्रल ब्रैकेट प्लेन ना डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्रैकेट प्लेन ये आपका डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्रैकेट प्लेन एनथ ब्रैकेट From central bright plane from central bright plane from central bright plane लेकिन यहाँ पर central bright plane बनना जरूरी नहीं है तो distance of any bright plane from central plane देखो ठीक है क्योंकि यहाँ पर वेव पार्टिकल सेम नहीं है जीरो नहीं होगा d lambda by d निकलता है ये क्या बता रहा है n d lambda by d क्या बता रहा है डिस्टेंस ऑफ n f bright plane फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट प्लेन व्हेन ओनली वैक्यूम आर एयर इज फिल्ड बिटवीन बिटवीन स्क्रीन n एंड l n l स्क्रीन के बीच अगर केवल एयर रहता है एंड कोई ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप नहीं डालते हैं किसी भी डिपार्टमेंट तब आपने निकाला था कि एक्शन समान क्या होता है एन डी लैम्डा बाय डी और प्लस एन डी लैम्डा बाय डी निकाला था डिस्टेंस ऑफ एन एफ ब्रैकेट प्लेन फ्रॉम सेंट्रल ब्रैकेट प्लेन हमने क्या निकाला था हाँ एन डी लैम्डा बाय डी निकाला था ना ठीक है व्हेन ओनली एयर इज फिल्ड बिटवीन स्लिट्स एस1 एंड एस2 एस1 एस2 एंड स्क्रीन एयर ठीक है यहाँ पर जो है इस इसमें खाली एयर फिल था तब ये पोजीशन थी लेकिन एक बीम के बाद में अगर हम ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डाल देते हैं तो हम कहते हैं कि जो है ब्राइट फ्रिंजेस हैड पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्टेड बाय दिस डिस्टेंस हैं ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन है इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाती ऊपर चली जाएगी ना जैसे ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर लेंगे एयर में यहाँ पर रहता है तो स्ट्रिप के आने से थोड़ा ऊपर बन जाएगा थोड़ा क्या होगा ऊपर बनेगा है ना ठीक है इसे समझे जैसे अगर एयर था तो ब्राइट प्लेन यहाँ बनेंगे लेकिन जब ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप जाएगा तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो ब्राइट फ्रिंजेस मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन है इन इन द डायरेक्शन ऑफ बीम In which transparent strip has introduced this this beam के path में transparent strip हमने insert किया है उसी के direction में क्या होगा थोड़ा ऊपर उड़ जाएंगे थोड़ा ऊपर क्या होगा shift हो जाएंगे ठीक है तो shifting of transparent strip from their original position या from their position are introducing transparent strip in this ना shift जो है इतने का हो रहा है तो शिफ्टिंग ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम देयर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस from their position
कितना हो रहा है बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, एन माइनस वन डी टी बाई डी से डिस्प्लेस हो रहा है ना, जितने भी फ्रिंजे हैं इतने डिस्टेंस ऊपर चले जाए इन द डायरेक्शन ऑफ बीम्स इन व्हिच ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इज फिल्ड, ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इज इंट्रोड्यूस है ठीक है। अब चले डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन निकालते हैं, जैसे डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगा, फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग बीम्स इज आर्ट इंटीग्रल मल्टीपल आप लैम्डा बाय 2 ना, तो डेल्टा एक्स क्या होगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 ठीक है, तो इसे वैल्यू रख दीजिए, तो डेल्टा एक्स वैल्यू आप ये है तो देगा डी इनटू एफसीएन ऑफ 1 कैपिटल डी माइनस n माइनस 1 इनटू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 ना, यहां से डी एफसीएन ऑफ 1 डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 है प्लस n माइनस 1 इनटू t, यहां से x n इक्वल क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 2d प्लस n माइनस 1 dt अपॉन d dt अपॉन d, तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी डॉट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल यह क्या है डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर के लिए क्योंकि सेंटर पर ब्राइट बंद है ठीक। तो देखिए शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डार्क फ्रिंजेस कितना बताए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डार्क फ्रिंजेस अगर ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप नहीं थी तो ये टर्म नहीं था हमारा ये ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप के आने पर इतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, शिफ्ट डार्क फ्रिंजेस इतने डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ बीम्स इन व्हिच ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इज इंट्रोड्यूस ये शिफ्ट हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डार्क फ्रिंजेस कितना बताए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऑफ डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंज का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डार्क फ्रिंजेस ये हो गया आपका एन माइनस वन डी इंटू टी अपॉन स्मॉल डी, इतने डिस्टेंस से डार्क फ्रिंजेस अपने पोजिशन से शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर चले जाएंगे है ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं, आर इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इन वन ऑफ द बीम ऑफ द इंटरफेरिंग बीम बीम्स फ्रिंजेस डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजिशन बाय डिस्टेंस एन माइनस वन डी डी टी बाई डी, इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहे हैं चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे डार्क, ब्राइट भी इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रही है ना ठीक है, और देखिए ये ब्राइट फ्रिंज इतने डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहे हैं, डार्क भी इतने ही डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी पोजिशन से ना ठीक है, जो भी इनकी पोजिशन एयर में रही होगी ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप के आने पर अपने पोजिशन से इतने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाए ना ठीक है। अच्छा फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंज तो अपनी पोजिशन चेंज कर दे रहे हैं लेकिन फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये निकालेंगे ठीक है, तो चलिए फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, इस केस में हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, तो लेफ्ट साइड पर पढ़ें हां, तो चलिए फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है बताएं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट ब्राइट फ्रिंजेस आर टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, क्या कहलाता है फ्रिंज विड्थ कहलाता है ना ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट टू सक्सेसिव ब्राइट आर टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ है ना ठीक है, तो चलिए फ्रिंज विड्थ निकाल लीजिए, तो देखिए फ्रिंजे तो शिफ्ट हो रही है आर्ट इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप, अब हमको क्या देखना है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ ऑन इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इन वन ऑफ द पाथ ऑफ द बीम ना, तो देखिए
equation breath in minus distance of nth breath in, क्योंकि n का सक्सेसिव नंबर क्या होगा, n plus 1 होगा, n का सक्सेसिव नंबर क्या होगा, n plus 1 ना, n nth fringe का सक्सेसिव फ्रिंज क्या होगी, n plus 1 1th fringe होगी ना, तो डिस्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ n plus 1 fringe एंड इन एफ ये क्या बताएगा, फ्रिंज विड्थ को बताएगा। अब ब्रैकेट के लिए देखते हैं, ब्रैकेट के लिए फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए फॉर ब्रैकेट, तो इसे ब्रैकेट फ्रिंज की विड्थ बताना है, तो ब्रैकेट के लिए हम पोजीशन का डिफरेंस लेंगे, तो ब्रैकेट के लिए पोजीशन क्या है, हमारे ब्रैकेट की पोजीशन ये है ना, देखिए ये आपका डिस्टेंस ऑफ इन एफ ब्रैकेट, डिस्टेंस ऑफ इन एफ ब्रैकेट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर एक्शन क्या बता रहा है, एक्शन तो भी एन डी, एन डी लैम्डा बाय डी प्लस एम माइनस वन डी टी बाय डी, क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ एन एन राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो एन प्लस वन के केस में क्या होगा, यहाँ यहाँ पर एन दिखाई दे रहा होगा, एन प्लस वन दिखेंगे ना, एक्शन ये है, तो एन प्लस वन केस में क्या होगा, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन प्लस वन दिखेंगे, तो क्या बनेगा, ओमेगा शॉर्ट हो जाएगा, हो जाएगा एन प्लस वन है डी लैम्डा बाय डी फिर प्लस ये हो जाएगा आपका एन प्लस वन माइनस वन है डी टी बाय माइनस एक्स एन, एक्स एन का मान कितना है, एक्स एन, एक्स एन की वैल्यू है ना, एक्स एन की वैल्यू एन डी लैम्डा बाय डी फिर प्लस एन माइनस वन प्लस this is dependent, stay dependent on that.
अब देखें ये चीज तुम्हारा कट जाएगा, ये कट जाएगा और सौ कट करेंगे तो एन जी लेमडा प्लस प्लस जी लेमडा कर दो माइनस एन डी लेमडा बाय डी प्लस एक टर्म बच डीजी बाई डी एन ठीक है ये कैसे होंगे ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा इसको हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी प्लस डीजी बाई डी ये तो चेंज चेंज बिट चेंज हो जाएगा इसके पास देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है n माइनस वन t n माइनस वन t n माइनस वन t d d बाय n प्लस वन का सब्स्टिट्यूट तो n ही रहेगा टेंडेक भी एन लिया है और नंबर ऑफ पिन भी एन लिया है इंडिपेंडेंट जैसे डिफरेंट इंडेक्स एन लिया तो एम ले लेते हैं या भी एक्सचेंज
इसे समझ रहे हैं। देखिए जैसे नंबर ऑफ फ्रिंज और एक रेक्टेंगल का सिंबल एक ही होगा, इसलिए कर रहा हूं आपको इसके सिंबल अलग कर दीजिए। नंबर ऑफ फ्रिंज को एम से दिखा दीजिए और एक रेक्टेंगल को एन से दिखा दीजिए। अब चलिए सॉल्व करिए कितना आएगा। ये जगह आपका एम डी लैम्डा बाय डी और प्लस डी लैम्डा बाय डी और फिर प्लस एन माइनस वन डी टी बाय डी को चलिए माइनस एम डी लैम्डा बाय डी को फिर माइनस एन माइनस वन डी टी बाय डी को चलिए। तो देखिए इसमें जो है ये टर्म इससे कट जाएगा, ये टर्म इससे ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। तो क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है डी लैम्डा बाय डी है ना। हम क्या देखें कि इसमें कोई टी का टर्म नहीं है, ट्रांसपेरेंट डिस्टेंस की फिक्स में क्रॉस कोई टर्म नहीं है ना। दैट मीन फ्रिंज विड्थ इज अनअफेक्टेड, फ्रिंज विड्थ पर कोई टर्म नहीं होता, फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज आर इंटरप्रेटिंग ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बीम है। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला बताओ। जैसे फ्रिंज विड्थ जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप नहीं थी खाली एयर था तभी ये था, ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप आ जाए तभी यही है ना। ठीक है, तो आन इंटरवलिंग ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बीम देयर इज नो इफेक्ट इन द थिकनेस ऑफ फ्रिंज विड्थ ना, या फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज। ठीक, तो ये चीज लिख लीजिए फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज, फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज, फ्रिंज विड्थ रिमेंस अनचेंज, रिमेंस अनचेंज अनचेंज आर इंट्रोड्यूसिंग आर इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप, ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप आर स्ट्रिप इन वन ऑफ द इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बीम इन वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बीम वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बीम। ठीक है, चलिए कभी